फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.50 है इसको बदलने की सबसे क्या करेंगे, पहले दशमलव की जगह पर एक, उसके बाद जितना अंक है 50 दो अंक है ना, 20 है ना, उसके बाद ऊपर में अंश के रूप में क्या लिखेंगे, पूरा अंक लिखेंगे है ना, 50/100 इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा है ना। फिर अगर हम क्या है 1/2 को इसका कैसे लिखेंगे, आता है लिखे 1/2 से डिवाइड करेंगे कैसे, 1/2 से यदि डिवाइड करेंगे भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे दशमलव लेंगे ना, लेंगे तो 0 आएगा, 2×5 है ना, 0.5 आया ना, 5 के बाद यहाँ क्योंकि दशमलव है उसके बाद 0 जितना चाहे हम बैठा सकते, 1/0 बैठाएंगे। फिर अगर हम इसको कैसे कितने लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना, दोनों तरीके से सीखना है इसको, भिन्न में बदलना फिर दशमलव से भिन्न कैसे बदलेंगे और भिन्न से दशमलव में कैसे बदलेंगे, आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन है 1.33 इसको कैसे बदलेंगे, दशमलव की जगह पर एक, इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, इसके बाद टोटल अंक कितना है, 1/135 है ना। फिर इसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहें कितना आ जाएगा, बदल के दिखा दे, देखो 100 से डिवाइड करेंगे कितने, 135 में है ना, 100 × 1 बचेगा, फिर दशमलव देंगे 0 आ जाएगा, 100 को 3 बार में गुणा करेंगे, दशमलव भी 0 आया 3 बार में, 300 31 बचेगा, फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा, नहीं तो नहीं, 100 किया 300 आया, 300 कितना आया, 1/0 यानी हम दशमलव से भिन्न में, भिन्न से दशमलव में, भिन्न से दशमलव में जा सकते हैं, दोनों तरीके से सुनना है। फिर अगला क्वेश्चन है 2.3045 है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम दशमलव के जगह पर कितना अंक है, 3 टोटल अंक कितना है, 1.0045 ये हमारा क्या हुआ, बीच में बदल गया। अगर हम चाहें तो इसको कटाकर भी लिख सकते हैं है ना, 5 से कट जाएगा, 5 से कटा के लिख सकते हैं यार, ये भी हम बदल सकता है ना। फिर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, आप समझ में, बाकी क्वेश्चन उसमें जो है बनाइए, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 बताएंगे, 5 मिनट के अंदर बना लीजिए है ना, चलिए।